लाइक कैसे आएगी? आसमान से कोई बहुत बड़ा धूमकेतु आकर धरती पे गिर जाएगा, या फिर ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल जाएगी, बाढ़ आ जाएगी और सारे इंसान डूबकर मर जाएंगे? आज तक आपने यही सब बातें सुनी होंगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये सुना होगा कि भैया वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन की वजह से लोग दम घुटने से मर जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा, और ये इस धरती पर इंसानों के खात्मे की वजह बनेगा, और ये दिन ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 30-40 साल बाद आप खुद देखोगे। तो ये वीडियो मैंने कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया है, ये एक सीरियस वीडियो है, और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखना। मैं बोर नहीं करूंगा, वीडियो देखने में आपको पूरा मजा आएगा, लेकिन आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपने नहीं सोची होंगी, और शायद ये वीडियो आपके आने वाली जनरेशंस को या आपको बचा ले। अब आप बोलोगे मिट्टी मर रही है, भैया मिट्टी में कहाँ जान होती है? तो अगर आपको नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग। लेकिन इतना जरूर पता होगा कि मिट्टी को काला सोना बोलते हैं। मिट्टी फसलों को जन्म देती है और फसलें जीवित होती हैं। पेड़ पौधों में जान होती है, और किसी भी लिविंग थिंग को जन्म देने के लिए एक लिविंग थिंग की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब मिट्टी जीवित होती है क्योंकि वो बहुत सारी जीवित चीजों को जन्म देती है। बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे पेड़ पौधे और दुनिया की हर फसल मिट्टी में ही जन्म लेती है। फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई मिट्टी में जन्म तो लेते हैं, लेकिन ना मिट्टी चलती फिरती है, ना बच्चे पैदा करती है, तो कैसे मान लेंगे मिट्टी जिंदा होती है? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी जीव की तरह मिट्टी में भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एयर, वाटर, मिनरल्स और बैक्टीरिया होते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से कोई भी लिविंग थिंग जिंदा रहती है। और उससे भी बड़ी बात कि हर जीवित चीज के लिए मिट्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब ना मिट्टी होगी ना खेती होगी, ना मिलेगा आपको खाना और ना ही मिलेगी को ऑक्सीजन। और मिट्टी मर रही है जिसे हम लोग मार रहे हैं, और ये बनेगी दुनिया में आने वाली पहली प्रलय की सबसे बड़ी वजह है। देखो ये सारी बातें तो हमको स्कूल में पढ़ाई गई हैं कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और जिस जगह पर पेड़ नहीं होते वहां की मिट्टी झड़ जाती है, पानी के साथ बह जाती है और बचती है केवल रेत, और जहां पर पेड़ नहीं होते वहां पर बन जाता है रेगिस्तान। ना कोई फसलें होती, ना पानी होता, और ना ही इंसानों के जिंदा रहने की कोई चांस होते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही जल्द हमारे देश की राजधानी दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगी। वहां पर रेतीले तूफान आने शुरू हो चुके हैं और वहां के आसपास की मिट्टी रेतीले रेगिस्तान में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, और ये सब हो रहा है एयर पॉल्यूशन और एक बहुत बड़े लेवल पर हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। खैर आज के वीडियो में हम दिल्ली की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। केमिकल वाली खेती की वजह से मिट्टी में जहर मिलाया जा रहा है। मिट्टी से जब कोई फसल उगती है तो उसके पोषक तत्व मतलब मिट्टी के पोषक तत्व फसलों में जाते हैं, लेकिन हम मिट्टी से सिर्फ ले रहे हैं, उसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। उसमें पोषक तत्व देने की बजाय हम मिट्टी के अंदर जहर घोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की मिट्टी कहीं चली जाएगी और हर जगह रेगिस्तान बन जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं मिट्टी तो वहीं रहेगी, लेकिन उसमें फसलें उगनी बंद हो जाएंगी और केवल जहर ही जहर बचेगा, और इस तरह की मिट्टी हमारे किसी भी काम की नहीं होगी। आपने स्कूल में पढ़ा होगा फसल चक्र। पुराने जमाने में लोग बदल बदल कर फसलें उगाते थे, इससे एक ही तरह के पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी नहीं होती थी और साथ ही मिट्टी को रिकवर होने के लिए समय मिलता था। लेकिन आजकल लालच के चक्कर में लोग एक जैसी फसलें ही उगाते जाते हैं, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स का भी यूज हो रहा है, और उसका रिजल्ट ये होगा कि 30 साल बाद या ज्यादा से ज्यादा 40 साल बाद इस दुनिया की मिट्टी कोई भी फसल उगाने के लायक नहीं बचेगी। और मैं आपको बता दूं कि आप मिट्टी को खुद से बना नहीं सकते, मिट्टी को बनने में 1000 से लेकर 1500 साल का समय लगता है, और अगर आप आर्टिफिशियली कोई अच्छी मिट्टी बनाना चाहते हो तो भी आपको कम से कम 150 साल इंतजार करना पड़ेगा। मतलब हम एक ऐसी चीज को बर्बाद कर रहे हैं जिसे बना पाना अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और बाकी बची हुई कसर हम पूरी कर रहे हैं प्लास्टिक का यूज करके। हम प्लास्टिक के वेस्ट को ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं जिसकी वजह से वो मिट्टी में मिलता है, मिट्टी में नेचुरल पानी के फ्लो को ब्लॉक करता है, और इसकी वजह से मिट्टी सड़ने लगती है और मिट्टी खराब हो जाती है। अब आप बोलोगे गौरव भाई इन सबसे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं सीधे सीधे इन सबसे आएगी प्रलय। सीधे और शॉर्ट में समझाता हूँ, मिट्टी अगर डेड हो जाती है तो वो जगह बन जाएगी रेगिस्तान, क्योंकि डेड मिट्टी में पेड़ पौधे नहीं उगते, और जहां पर रेत होती है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है ग्लोबल वार्मिंग। नेचुरल मिट्टी की जगह धरती पर केवल कॉन्क्रीट और सीमेंट है जो पानी को धरती के अंदर जाने से रोकते हैं, इससे पानी के अंदर अंडरग्राउंड वाटर के रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, धरती अंदर से सूख रही है, और सूखी हुई धरती पे किसी भी तरीके के पेड़ पौधे या फसल नहीं उग पाते। साथ ही साथ मिट्टी के
के मरने से आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ना होगी मिट्टी, ना होंगे पेड़ और ना होगी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन नहीं होने से भी धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, और अगेन इससे रैपिडली चेंजेस आएंगे धरती के टेम्परेचर में, और ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी। और ये सब मैं बातें तुक्के से नहीं बता रहा हूँ, इन सब पर रिसर्च चल रही है, और क्लेम किया गया है कि इस धरती पर मैक्स टू मैक्स 60 हार्वेस्ट ही बचे हैं। मतलब केवल 60 हार्वेस्ट के बाद हमारी धरती की मिट्टी पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएगी। मतलब आपके और हमारे पास केवल 30 से 40 साल बचे हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि वीडियो तो बना दिया गौरव भाई, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, सद्गुरु का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये मार्च के महीने में 100 दिन की यात्रा पर निकले हैं, वो भी अपनी मोटरसाइकिल से। ये 26 देशों में जाएंगे, वहां के बड़े बड़े नेताओं से, वहां की गवर्नमेंट से बात करेंगे, सॉइल को पॉल्यूट करने वाले रीजंस के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, और गवर्नमेंट को बताएंगे कि उन्हें अपनी पॉलिसी में कोई स्ट्रिक्ट रूल ऐसा लाना पड़ेगा जिससे मिट्टी का ये जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जो हमारी मिट्टी मर रही है, उसे रोका जा सके। इसी टॉपिक पर अवेयरनेस लाने के लिए अभी और न्यू ने भी एक वीडियो बनाया है, वो दोनों भी सद्गुरु के इस मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं कि आप और मैं कर क्या सकते हैं। तो हम लोग सिंपल से बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं। आप बोलोगे क्या गौरव भाई, ये तो हमको ही पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पता होने से कुछ नहीं होता। आपने आज तक अपने जीवन में कितने ही बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं? गमलों में पौधे तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन उनसे इतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती। देखो, जितना आप लेते हो उतना आपको नेचर को वापस देना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में इतनी ऑक्सीजन लेते हो जितनी आप 300 से 400 पेड़ लगाकर भी कवर नहीं कर सकते। तो अपनी लाइफ में कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि 100 पेड़ लगाने का टारगेट बनाओ। पूरी जिंदगी में अगर आपने 100 पेड़ लगाए तो आप नेचर को कुछ ना कुछ वापस जरूर दे सकते हो, मिट्टी को मरने से बचा सकते हो, एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से एक पोस्ट डाल सकते हो जिसमें आप #SaveSoil यूज करें, ताकि आपके जानने पहचानने वाले लोगों में भी अवेयरनेस आए इस टॉपिक को लेकर। देखो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और दुनिया की बातों के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन मिट्टी पॉल्यूट हो रही है, मिट्टी मर रही है, इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और अगर आप एक पोस्ट भी नहीं बना सकते तो आप एक सिंपल से इस वीडियो को शेयर करके वो काम कर सकते हो, ताकि आपके जानने पहचानने वाले लोगों तक इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस पहुंचे। देखो, हमारी मिट्टी कोई गंदगी नहीं है, सॉइल इज नॉट डर्टी, ये आपके और हमारी तरह जिंदा है, इसे भी केयर की जरूरत है, इसे भी पोषण की जरूरत है, और जब तक आप इसका ख्याल नहीं रखोगे ये भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। यार बस आज की वीडियो में इतना ही, याद रखो सॉइल इज इंपॉर्टेंट, सॉइल इज लाइफ। तो ये वीडियो अगर आपको सही लगा है, इसने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, कुछ आपको नया नॉलेज दिया है, तो इसको शेयर जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लग गया है तो इसको लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।